हे गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू टर्न ऑफ नोटिफिकेशन इन रेडमी नोट 11T 5G। रेडमी नोट 11T 5G में नोटिफिकेशन ऑफ कैसे करनी है दोस्तों। अगर आपके फ़ोन में किसी एप्लीकेशन से ज़्यादा नोटिफिकेशन आती हैं, जैसे कि क्रोम पर कभी कभी बहुत सारी नोटिफिकेशन आती हैं, तो वो नोटिफिकेशन आप कैसे बंद कर पाएंगे, या फिर मैसेंजर पर या फिर फेसबुक पर, तो ये नोटिफिकेशन कैसे बंद कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग पे, और सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ से आपको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर पर। इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ से आपको ऐप नोटिफिकेशन मिल जाती है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी किस एप्लीकेशन से ज़्यादा नोटिफिकेशन आती हैं, जैसे कि गूगल प्ले स्टोर से ज़्यादा नोटिफिकेशन आती हैं अधिकतर लोगों के पास, तो इसे आपको डिसेनेबल कर देना है। बाकी अगर आपके पास किसी अदर एप्लीकेशन से भी नोटिफिकेशन आती है, जैसे कि गेट ऐप से आती हैं, तो ये आप इसे बंद नहीं कर सकते। और बाकी यहाँ से आपकी डिजिटल बैलेंस वाली, इसे भी आप डिसेनेबल कर सकते हैं। और यहाँ से आपको मोर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको मोस्ट रिसेंटली है, ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली, तो यहाँ से आपको और भी एक दो एप्लीकेशन आ जाती हैं। तो इस तरीके से आप इन एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन को ऑफ करेंगे। यहाँ से आपको बैक चले जाना है। अब इसकी कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आती है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।